प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ममता बनर्जी राम नवमी का सेलिब्रेशन रोकना चाहती है। देखिए, प्रधानमंत्री को कहिए आप देश के प्रधानमंत्री हो, ये रामनवमी, ये नवमी, ये धार्मिक उत्सव, उससे बाहर आकर बात करो। आप विकास की बात करो, आप देश की सुरक्षा की बात करो, आप मणिपुर की बात करो, आप कश्मीरी पंडितों की हित की रक्षा की बात करो, आप महंगाई बेरोजगारी के ऊपर आपने क्या किया उसके ऊपर बात करो। ये ममता दीदी रामनवमी नहीं कर रही है या और कोई क्या कर रहा है, ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? हाँ, ये प्रधानमंत्री का काम है? हाँ, ये गली के लोग भी इस प्रकार की बात नहीं करते। ये कौन से प्रधानमंत्री है, किसने बनाया प्रधानमंत्री? आम आदमी के पार्टी के कुछ नेता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के ऊपर आतंकवाद जैसा व्यवहार हो रहा है। डेफिनेटली होता है, मैं जेल में खुद जाकर आया हूँ, मैंने उसका अनुभव लिया है। जिस तरह से मोदी विरोधी जो लोग हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि वो अगर बाहर रहेंगे तो मोदी जी को 100 सीट भी नहीं मिलेगी जब सब लोग प्रचार करेंगे उनके खिलाफ, तो अंदर जाकर उनका पूरा उनको यातना दी जा रही है, फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा है, वकीलों से नहीं मिलना दिया जा रहा है, सब कुछ होता है, हमने सब देखा है, मैंने सब सहन किया है। गाजियाबाद में संविधान की गारंटी वो दे रहे हैं कि संविधान नहीं बदला जाएगा, विपक्ष मोदी की खुद की गारंटी नहीं आने की, मोदी क्या गारंटी देंगे? मोदी जी की खुद की गारंटी नहीं है आने की, तो मोदी की गारंटी को कौन पूछेगा? सर, गाजियाबाद में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों एक ही मंच पे नजर आए, आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा वहाँ? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अखिलेश जी और राहुल गांधी जी साथ में आए, महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार और राहुल गांधी जी साथ में दिखेंगे आपको। हर राज्य में जो क्षेत्रीय नेता है उनके साथ राहुल गांधी जी अगर दिखते हैं तो जरूर उस राज्य में उनका प्रभाव पड़ेगा। चलो, थैंक यू। क्या है